वहां जिससे लेके आया हूँ ना, पता चले उसके पीछे चिंटू जो खड़ा है, वो बोले भैया मेंस निकाल के बैठो, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। कितने के बता बता बता? 10,600। अब 1,00,000 के तो हेडफोन्स रखे हैं तूने, छोड़ चुके हैं ये जो कर रहे हैं, समझ रहे हो। सो दिस इज स्टारबक्स की स्पेशल चाय विद निश्चय, 5 रुपए के 3 कप लाए थे, 20 का था भाई। क्या बात है भाई, बड़े राजेंद्र नगर बड़ा महंगा हो गया भाई, 20 से नहीं है ना। अभी पता है मेरे को पता ही नहीं था कुछ टाइम पहले तक अफगानिस्तान के साथ क्या बोलना, नहीं करते बेटे, वो जो जगह है ना वो पूरी ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ पॉइंट आउट करियो, पीओके में भी नहीं है, इंडिया का मैप कहाँ है? ऊपर है सबसे, मुझे पता है भाई इतना सा, वो देखो, पर वो इंडिया का पार्ट नहीं है, ये सब पीओके का पार्ट है, इतना वो हल्का सा 25 किलोमीटर देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत तो आगे बस प्रीलिम्स लिखा है, अभी तो मेंस की किताबें आई भी है, वो सारी भी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी के तीसरे टीचर की कॉपी, ज्योग्राफी के तीसरे टीचर की कॉपी, इकोनॉमिक्स के तीसरे टीचर की कॉपी, तीसरा चौथे की, एथिक्स के दूसरे टीचर की कॉपी, एथिक्स के पहले टीचर की कॉपी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, एंशिएंट हिस्ट्री। ये बताओ तुमने इसे बना के रखी है कि पढ़ा भी है? केवल नाम लिखा है। नहीं नहीं नोट्स लिखे हैं भाई, सारे नोट्स, दो पेज। अभी जितने के लेक्चर में उतना ही लिखा है ना, कितना पेज? यार जितने लेक्चर में उतना ही लिखा है ना, वो वाली लिखा है जो ज्यादा लिखी है इसमें। नहीं इसमें भी यार, इसमें 2 लेक्चर हुए तो 2 लेक्चर के हिसाब से कितना लिखा है, बहुत इसने बड़ा बड़ा भी लिखा है तो देखो बन गया। बस इतना ही, एक तो फैला के ऐसे लिखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के देख लो, ये ऑप्शनल है मेरा, इसके देख लो, तो दूसरी कॉपी लेके एक एक पेज के ऊपर लट रहा है ऐसे पलटो। अरे ये देख पूरा स्कैन हो गया नोट्स, अब तुम गए ना, तुम्हारे नोट्स अब पब्लिक हो गए। फिर ये हिस्ट्री है मॉडर्न और एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री है, कितने समय में लिखे हैं भाई साहब? यार ये लेक्चर्स हैं सारे, मतलब कितने समय में लिखे हैं तुमने? जितना लेक्चर में टाइम लगता है, कितने समय, साल हो गए तुम्हें प्रिपेयर करते हो? कब से प्रिपेयर? ओ 2 महीने में इतनी सिर्फ हुई? बस यूपीएससी की प्रिपरेशन है ये आईआईटी का सिलेबस नहीं है कि इतनी सारी लिख ली, कुछ नहीं लिखा है इसने, लोग 10-10 कॉपियां भर देते हैं 2 महीने में। क्या किया है तुमने? क्या 10 कॉपियां आंसर राइटिंग कर रहे हो तुम? बढ़ लिख लो, होगा नहीं, 4-5 अटेम्प्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ, घर वाले भगा देंगे। इकोनॉमिक्स माई मेजर, समझ नहीं आया, सही है? नहीं नहीं आ रहा है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। क्या लिख रहे हो बे, ये सब तो है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है, वो मास्टर्स कर रहा है डिग्री उसमें। सो जाओ भाई, तुम सो जाओ, ज्योग्राफी आ जाते हैं। अच्छा बाय द वे, ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट था, अभी नहीं है, पास करके छोड़ चुके हैं, ये सही जो कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये था नहीं है नहीं। वाओ, ज्योग्राफी तीन बाउंड्री होती है, गुटनबर्ग, रेडपिटी और लेमन। वैसे क्या? पता है मैंने भी किताबें खरीद के रखी थी, मैंने शुरू कभी नहीं की। गुटनबर्ग होती है क्रस्ट और कहते हैं लिथोस्फेयर में, रेपिटी होती है तुम्हारी अपर मेंटल लोअर मेंटल में, और लेमन होती है तुम्हारी आउटर, वो कहते हैं आउटर कोर इनर कोर। तो ये बता कि मुझे रिवाइज कर रहा है ना खुद के लिए? देखिए अभी मैं तेरे को वो दिखाता हूँ, यहाँ से गुटनबर्ग का नाम हिटलर के जनरल का, इतने पेजेस सिर्फ एग्रीकल्चर के, और अभी एग्रीकल्चर खत्म नहीं हुआ, 8 लेक्चर हो चुके एग्रीकल्चर, कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ इसका, सब्जेक्ट तो कोई खत्म नहीं हुआ, वो तो हमारे अभी दो महीना हुआ है, 2 महीने में क्या ही खत्म होगा, 2 महीने में 2-3 सब्जेक्ट खत्म हुए थे हमारे, क्योंकि इनके एक बारी में एक सब्जेक्ट चल रहा था, मेरे सारे सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं भाई। मेरी कल एथिक्स की क्लास हुई थी, उससे एक दिन पहले पॉलिटी की क्लास हुई थी, फिर आज है ज्योग्राफी की, कल इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके अगले दिन एनवायरमेंट की, उसके अगले दिन फिर से वो पॉलिटी। भाई इतनी पढ़ाई तो तुमने आईआईटी में भी नहीं की। ज्यादा पढ़ने से न्यूज़पेपर समझ आता है, क्योंकि अगर तुम एक ही टॉपिक पूरा पढ़ लोगे तुम्हें उस टॉपिक के सारी न्यूज समझ आएगी, न्यूज ही नहीं समझ आएगी। तो अभी मेरे आने से पहले ये पढ़ भी रहा था न्यूज़पेपर, कौन सा है, द हिंदू, तेरा सेटअप है पढ़ाई वाला, दिस इज यही का है, तो वीडियो दे, सही यार लैपटॉप से बेटर है, अरे एडजस्टेबल है यार भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे महंगे हेडफोन्स हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, कितने के हैं बता? कितने के हैं बता बता बता? 10,600। 10,600 बस, ये अलग बात है केवल 6,000 की है, और फिर उसके लिए एम्पलीफायर 14,000 का,
ये केवल लेक्चर सुनने के लिए ये केवल लेक्चर बाय द वे हेडफोन्स गिनते हैं फोन दूसरा ये रहा दो यहाँ दो इधर दो यहाँ अब 1,00,000 के तो हेडफोन्स रखे हैं तूने ऐसा नहीं है ये 11 ये 10,600 का है ये 14,500 का है वो तो ये वाला सिर्फ 4,500 का पड़ा क्योंकि मैंने प्री ओन लिया था नया लेते तो 11 का पड़ता है ना और ये पड़ा था मेरे को क्योंकि मेरे को अलग से डिस्काउंट पे था तो ये पड़ा था लगभग मेरे को कुछ ये पड़ा होगा 6,500 के करीब। एक बात बता अगर तू यूपीएससी नहीं निकाल पाया तो क्या डीजे का दुकान उकान खोले इंतजाम पूरा है यही तो प्लान है भाई तुम एकदम गेम प्लान ओहा जिससे लेके आया हूँ ना पता चले उसके पीछे चिंटू जो खड़ा है वो बोले भैया मेंस निकाल के बैठो इंटरव्यू की तैयारी चल रही है नहीं नहीं स्ट्रगल सुनाएगा स्ट्रगल स्टोरी वही मोदी को देखो जितना नीचे से आओगे ना जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा होता है मैं भी तो स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊंगा कि दुबे मेरे बेड पे सोता था जब मैं पढ़ रहा था फिर वो पढ़ता था मैं सोता था मेरा सेकंड होम रहता है इतना सा ओ वाओ सिर्फ खड़े ही रह सकते शुरू हुआ वहां पे खत्म हो गया एंड व्हाट्स दैट बाथटब अच्छा तेरा वो है डेली का टास्क क्या क्या करना है बालकनी में जाता है इन्होंने बालकनी दे रखी है सुसाइड करने के लिए ये छुपा लेते तुम कुछ और देखो तुम उधर लड़की दिखाओ उधर दिखाओ छोड़ दिया अब छुपा रहे थे स्ट्रगल हो गया यार सही में स्ट्रगल हो गया मैं आया हूं पिस्तौल करके निशानी छोड़ के जाता था मुझे 2 3 1 2 3 हेडफोन टेस्टिंग दूसरा गाना लगाओ ना इसमें वो है इतना हेल्दी कब से खाने लगा भाई यार देख रहा है देख 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 खाने के लिए नहीं है तो खिड़की के बाहर से भी ऐसा ही लुक आ रहा है बाकी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कमरा खोली बोल सकते हैं एक एग्जाम निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका सिलेबस होता है हर एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड ही होता है नॉट अनलिमिटेड और आंखों के सामने रहे तो यू स्टडी दोज टॉपिक्स ओनली जो कि एक्चुअली में एग्जाम में पूछा जाएगा सो दिस इज वेरी गुड आई लाइक अबाउट हिम सिलेबस आंखों के सामने है सिलेबस यूपीएससी के लिए एटलीस्ट सबसे पहले याद होना चाहिए रादर देन एनी सब्जेक्ट अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके रूम में ये दो चीज़ें ना हो एक वर्ल्ड मैप एक इंडिया मैप समझ लो सीरियस नहीं है और ये भाई के पास प्रिंटर भी है सो इसके पास एक छोटी सी बालकनी भी है नॉट बिग बट ठीक है अच्छी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये वही वाला ओल्ड राजेंद्र नगर है जहाँ पे टीवीएफ वाला जो एस्पिरेंट शो आया था उसकी शूटिंग हुई थी एंड बाय द वे जिस रूम का भी मैंने टूर दिया है इस रूम का किराया 13,000 या 14,000 के आसपास है सिर्फ जस्ट रेंट खाना पीना अलग से एंड ये जो घर दिख रहे हैं ये सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हैं लोग राजेंद्र ओल्ड राजेंद्र नगर के लोग भाई रेंटल इनकम बहुत कमा रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा ठीक है इसमें अगर 15 रूम्स होंगे दे आर अर्निंग 2-3 lakhs आराम से रेंटल इनकम दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम ब्रो मज़ा आ गई